कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का ओरिजिन कैसे हुआ और इनको कॉम्प्लेक्स नाम कैसे मिला। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल सेंटर कहाँ से आता है, डी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से, उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो आपके दिमाग में सवाल नहीं आएगा कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्सेस क्यों बोलते हैं, क्या इनका नाम कॉम्प्लेक्सेस पड़ा तो क्यों पड़ा, क्या आपके दिमाग में भैया सवाल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो मैं आपको बताऊं इनकी शुरुआत कैसे हुई। अब मैं आपको इसका ओरिजिन बता रहा हूँ। देखो, ये एक स्टोरी की तरह होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है भैया, किसकी एक स्टोरी, कहानी है। अभी तक आपने पता लग गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, पढ़ लिया आपने। इससे पहले टॉपिक आपने क्या पढ़ लिया कि वो डिफरेंट 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 टर्म्स यहाँ पर कौन कौन से इस्तेमाल होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। अब आपके सावधान सामने सवाल ये है कि इन कंपाउंड्स की शुरुआत कैसे हुई और इनका नाम कॉम्प्लेक्सेस पड़ा तो पड़ा कैसे। ठीक है, बात ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो मैं आपको बताऊं, एक होते हैं सिंपल सॉल्ट और एक होते हैं डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट नाम सुना आपने कभी, क्या होते हैं सिंपल सॉल्ट? सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, जहां पर देखो किसी सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायनिक पार्ट, एक होता है उसमें एनायनिक पार्ट। तो सॉल्ट में जो कैटायनिक पार्ट होता है, अगर वो भी सिंपल हो और एनायनिक पार्ट भी क्या हो, सिंपल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल KCl, क्या भाई मुझे पता है कैटायनिक पार्ट तो कौन है, पोटेशियम वन पॉजिटिव, और क्लोराइड क्या है, एनायनिक पार्ट। तो ये क्या है, कैटायनिक पार्ट ही बताओ मेरे पास, क्या है एनायनिक पार्ट नहीं है आपको। K2SO4 क्या, पोटेशियम क्या है, सिंपल पार्ट, सल्फेट क्या है, सिंपल पार्ट, ये सिंपल पार्ट है। आपको सिंपल पार्ट कैसे, सिंपल में क्यों बोल पा रहा हूँ इसको, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ भाई क्योंकि आपको पता है कैटायनिक पार्ट जो है उसमें दो पोटेशियम आयन है और एनायनिक पार्ट में क्या, सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन को आप लेविस थ्योरी के जरिए इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं आपको लेविस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी के जरिए क्या, सल्फेट आयन को हम इसके अंदर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या? तो कैटायनिक पार्ट में हमको पता है, एनायनिक पार्ट में हमको पूरा पूरा पता है, नहीं आपको। या KCACL2, कैल्शियम क्लोराइड, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट, K2SO4, नहीं आएगा आपको भाई। अरे बोलो भाई, K2O क्या, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब भी क्या आपके सिंपल सॉल्ट, क्या आपकी ये सिंपल सॉल्ट, आसान है मुश्किल है? ठीक है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या क्या करती कि जो सिंपल सॉल्ट नहीं है। अच्छा, सिंपल सॉल्ट आप हासिल कैसे करते हो पता आपको, अगर आपने सिंपल सॉल्ट्स के क्रिस्टल आपने हासिल करने हैं क्या, अगर आपने सिंपल सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स हासिल करने हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के उसको उड़ा दो क्या? अगर आपको क्या, NaCl एक सिंपल सॉल्ट है कि नहीं है, है ना, NaCl सिंपल सॉल्ट। तो अगर आपने NaCl के क्रिस्टल्स आपने हासिल करने हैं आप क्या करोगे, NaCl क्या बना के सॉल्यूशन, और क्या करो उसको एवेपोरेट कर दो, तो पानी उड़ जाएगा और पीछे क्या बच जाएंगे आपके पास, नमक के क्रिस्टल्स, इजंट इट। तो ऐसे साइंटिफिक कम्युनिटी भाई सिंपल सॉल्ट हासिल करती है, तो सिंपल सॉल्ट क्रिस्टल हासिल करते हैं, और जब वो क्रिस्टल वापस क्या करोगे पानी में डालोगे तो क्या पैदा करते हैं, वो Na आयन और Cl आयन। तो अगर कोई आपको ये बोल दे अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल हासिल करो, किसके, NH4 2 SO4, देखो सल्फेट के ऊपर क्या होता है, टू नेगेटिव होता है, और अमोनियम आयन के ऊपर क्या होता है, वन पॉजिटिव। तो एक सल्फेट आयन को दो अमोनियम आयन क्या करेंगी, बैलेंस,
नहीं आपको ऊपर एक सल्फेट आयन को दो अमोनियम आयन क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे, रिजल्ट तो ही क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम सल्फेट। तो अगर आपने इसके क्रिस्टल हासिल करने हो आप क्या करोगे बताइए, इसका सॉल्यूशन लिया और उसको उड़ा दिया तो किसके क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे, NH4Si के आपको क्या मिल जाएंगे क्रिस्टल, और उन क्रिस्टल्स को पानी मिलाने पर वापस क्या पैदा होंगी, अमोनियम आयन। और अरे भाई अगर आपने इसका सॉल्यूशन उड़ा दिया तो इसके सॉल्यूशन में से आपको क्या मिलेंगे, अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल। देखो इसका जो सॉल्यूशन है इसके सॉल्यूशन में कौन तैर रही है, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन, सल्फेट आयन तैर रही है और अमोनियम आयन तैर रही है, लेकिन क्रिस्टलाइज करने पर क्या मिलेंगे आपको, अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे ना, और उन क्रिस्टल्स को वापस पानी में डिजोल्व करने पर वही आयन मिल जाएंगी जो पानी को उड़ाने पर क्रिस्टल बनाया, जिन्होंने पानी को उड़ाने पर जिन आयन्स ने क्रिस्टल बनाया है क्रिस्टल को मिलाने पर वापस क्या बन जाएंगी पानी में, वही आयन। इस बात से एग्री करते हो, ठीक है। तो सिमिलरली ये है आपका अमोनियम सल्फेट और एक आपका आयरन सल्फेट, क्या आपका आयरन सल्फेट FeSO4 क्या आयरन सल्फेट है। तो अगर आप आयरन सल्फेट का सोल्यूशन हो तो आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कौन सी आयन होती हैं, आयरन 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, तो इसको उड़ाने पर क्या मिलेंगे आपको, FeSO4 के क्रिस्टल, क्या मिलेंगे आपको FeSO4 के क्रिस्टल्स। नहीं आया ना आपको समझ में, अरे भाई इसको उड़ाने पर आपको बताओ क्या मिलेंगे, FeSO4 के क्रिस्टल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पक्का उपकार मिलेंगे ना। अब इसको आप पानी मिलाओगे तो वापस क्या पैदा हो जाएंगी, तो साइंटिफिक कम्युनिटी सिंपल सॉल्ट्स के क्रिस्टल बड़े आसानी से मालूम हासिल कर लिया करती, तो उन्होंने टेक्निक लगाई, उन्होंने क्या किया, वे सोचे कि अगर मैं दो सिंपल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन मिला के तीसरे बर्तन में और उसको उड़ा दूँ तो क्या मिलेगा, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। यानी उन्होंने क्या लिया, उन्होंने अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल, उन्होंने एक सॉल्यूशन कौन सा लिया, अमोनियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन कौन सा लिया, फेरस सल्फेट का, और उन्हें कहाँ मिला दिया, एक तीसरे वेसल मिला दिया भाई। यानी अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी यहाँ डाल दो और फेरस सल्फेट का भी यहाँ डाल दो क्या वहाँ पर भाई, अब इसको उड़ा दो, मतलब साइमल्टेनियसली इनके मिक्सचर को उड़ाओ, किन उड़ाओ भाई, इनके मिक्सचर सॉल्यूशन को उड़ाओ, तो आपको पता है क्रिस्टल्स किसके मिलेंगे, मोर साल्ट, किसके मोर साल्ट के मिलेंगे आपको क्रिस्टल्स, यानी कि आपको मिलेंगे FeSO4 क्या FeSO4 और NH4SO4 क्या नहीं आपको, अरे भैया आपको क्या मिलेंगे, मोर साल्ट के क्रिस्टल्स नहीं आपको ये, अरे कहाँ गया, आ गई नहीं आपको ये तो, और N2 6H2 N2 क्या होगा 6H2, तो FeSO4 NH4 2 SO4 नहीं आपको, तो एक सल्फेट आयन इसकी और एक सल्फेट आयन इसकी, यानी कि आपको मिलेंगे N2 6H2O, इसको बोलते हैं मोर साल्ट, क्या बोलते हैं इसको मोर साल्ट, तो मोर साल्ट एक डबल सॉल्ट है, मोर साल्ट क्या है उपकारिक डबल सॉल्ट है, नहीं आपको, और ये डबल सॉल्ट क्या करता है बताओ बताओ, ये डबल सॉल्ट के, तो अगर मैं ये क्रिस्टल पानी मिलाऊंगा, पहले तो ये डबल सॉल्ट मैंने बनाया किससे है, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट के उपकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को मिला के मैंने उड़ाया होगा तब मेरे पास क्या है, मोर साल्ट के सॉल्यूशन के क्रिस्टल आए हैं, तो इन मोर साल्ट के क्रिस्टल को आपने पानी मिलाया तो पता क्या देगा, अगर आपने एक मोल मिलाया इसका तो एक मोल आयरन 2 पॉजिटिव आयन, दो मोल अमोनियम आयन और दो मोल सल्फेट आयन, और ये वही आयन नहीं हुई है
जो सिंपल सॉल्ट ने पैदा की थी, ये दोनों सिंपल सॉल्ट मिलके जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये दोनों सिंपल सॉल्ट जो आयन पैदा करते हैं अलग अलग, वही आयन अकेला कौन पैदा कर देगा? मतलब 1 मोल अमोनियम सल्फेट और 1 मोल फेर सल्फेट पानी में मिलाने पर जितनी आयन और जिस टाइप के आयन पैदा करते हैं उतनी ही आयन और उसी टाइप के आयन अकेला कौन पैदा कर देगा? 1 मोल मोर साल्ट। तो हम क्या बोलेंगे? ये इन दोनों का सम है। तो हम क्या बोलेंगे? ये सॉल्ट क्या? इन दोनों सॉल्ट का सम है। तो दो सॉल्ट से मिलके नहीं बनाया मैंने ये, तो क्या बोलेंगे? सो डबल सॉल्ट। ध्यान रखियो, डबल सॉल्ट का क्रिस्टल। तो मोर सॉल्ट के अगर क्या है आपके पास क्रिस्टल्स, उनको आपने पानी मिलाया तो वही आयन देता है। जो आयन कौन देते हैं? उस डबल सॉल्ट को बनाने में जिन सिंपल सॉल्ट के सॉल्यूशन आपने उड़ाए थे ना, उन सिंपल सॉल्ट को पानी मिलाने पर जो आयन पैदा होंगी ना, वही आयन कौन पैदा कर देगा? ये वाला। आगे आपको, तो इनको बोलते हैं डबल सॉल्ट। आगे आपको, तो भाई इस प्रकार मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बताऊं, जो डबल सॉल्ट होते हैं ना, उनकी प्रो उनकी जो उनके उनके पास हुई थोड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब उनकी प्रॉपर्टी दोनों सॉल्ट की प्रॉपर्टीज का एवरेज होती है। क्या? डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी किन का सम होती है? एक तरह से दोनों सिंपल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज का सम होती है। तो क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट? नहीं समझे बात? तो डबल सॉल्ट को काफ़ी जगह इनके काफ़ी फायदे नजर आए साइंटिफिक कम्युनिटी को, तो उन्होंने धड़ाधड़ क्या बनाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने भाई धड़ाधड़ उन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए? डबल सॉल्ट उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और जब देखो भाई डबल सॉल्ट बनाने की फिराक में रहा करते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, अगर K2SO4, क्या K2SO4 है और मेरे पास एक एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO43, कह दो सल्फेट के ऊपर क्या होता है? टू नेगेटिव। सल्फेट के ऊपर क्या होता है? टू नेगेटिव। तो दो पोटेशियम चाहिएंगे भाई, क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर क्या होता है? वन पॉजिटिव। दो दो तो दो पोटेशियम्स का मिल्क क्या बनेगा? टू पॉजिटिव। आगे आपको सिमिलरली एक सल्फेट आयन के ऊपर क्या है? तो SO43 रखो भाई तीन, क्योंकि तीन सल्फेट के आयन के ऊपर चार्ज क्या हो गया? एक सल्फेट आयन के ऊपर क्या होता है? -2। तो तीन सल्फेट आयन के ऊपर क्या होगा? -6 होगा। तो अकेले एल्यूमिनियम के पास क्या है? +3। तो +3 +3 दो बार नहीं, ये +6 नहीं आपको। तो +3 वाली दो आयन है और -2 वाली तीन आयन है, ताकि ओवरऑल बैलेंस रहे। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6। आगे आपको समझ में? ताकि ओवरऑल कंपाउंड क्या रहे आपका? न्यूट्रल। तो ये भी एक सिंपल सॉल्ट है कि डबल सॉल्ट है? बताओ, सिंपल सॉल्ट। ये पानी में जाके क्या पैदा करेगा? पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन। ये भी क्या है हमारे पास? सिंपल सॉल्ट। ये भी पानी में जाके क्या पैदा करेगा? एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। इजंट इट उपकार? अब अगर मैं इन दोनों का सॉल्यूशन लेके उड़ा दूं, क्या अगर मैं इसका सॉल्यूशन लेके उड़ा दूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन उड़ाऊंगा तो इसे क्रिस्टल मिलेंगे, मैं इसके सॉल्यूशन को उड़ाऊंगा तो इसके क्रिस्टल मिलेंगे। लेकिन मैं इसके सॉल्यूशन को इसके सॉल्यूशन में पहले तो क्या कर दूं? मिक्स कर दूं, नहीं समझे बात? और उसके बाद उस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को बताऊं क्या करूं? और उसके बाद भाई मैं उस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को उड़ा दूं, नहीं आपको समझ में? अरे भाई उसके बाद मैं उस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को करूं उड़ा दूं, तब आपको बताओ किसके क्रिस्टल मिलेंगे? K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। मतलब ये क्या है? हाइड्रेटेड क्रिस्टल। क्या है ये? यानी इसके क्रिस्टल्स में कौन ट्रैप हो जाएंगे? 24 वाटर मॉलिक्यूल। आ गया आपको ये? इसको बोलते हैं फिटकड़ी। क्या होती है? पोटाश अल्म। क्या होती है ये? नाम सुना आपने फिटकड़ी का? कभी नहीं आपने देखा शेविंग वगैरह करने के बाद भाई वो दाढ़ी का शेविंग लगाते होते हैं, वो फिटकड़ी होती है, नहीं आपको समझ? तो आपको मिलेंगे से क्रिस्टल। तो अब मैं ये कह दूं, अगर पानी में इसको मिलाएंगे तो वापस क्या पैदा करेगा? तो ये डबल सॉल्ट, फिटकड़ी डबल सॉल्ट है कि नहीं है? फिटकड़ी
फिट करी, डबल सॉल्ट है कि नहीं है, और ये डबल सॉल्ट किन का है, इसका और इससे मिलके बना हुआ है, इजंट इट। तो अगर मैं इस डबल सॉल्ट को पानी मिलाऊंगा तो वापस क्या पैदा, तो एक मोल फिटकड़ी पानी मिलाओ तो क्या पैदा होगा, दो मोल पोटेशियम आयन, तीन और एक चार मोल क्या होंगी, सल्फेट आयन, और दो मोल एल्यूमिनियम आयन। ये वही आयन नहीं होगी जो कौन पैदा करता, एक मोल K2SO4 और एक मोल एल्यूमिनियम सल्फेट मिल के पैदा करते हैं उपकार, ये वही आयन नहीं है क्या जो दोनों सॉल्ट मिल के पैदा करते हैं, है ना। तुम क्या बोलेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी क्या है डबल सॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे भाई साइंटिफिक कम्युनिटी क्या बनाने लगी थी, डबल सॉल्ट, और उनको डबल सॉल्ट बनाने की आदत थी, उनको लत लग रही थी डबल सॉल्ट बनाने की, ठीक है। जब लेके दो सॉल्यूशन लिए सिंपल सॉल्ट के, मिलाए और उड़ा दिए, ओके। तो इस प्रोसेस में क्या उन्होंने सोचा कि तो लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो डबल सॉल्ट बनाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन डबल सॉल्ट की बजाय कुछ और बन गया। कई बार आप मान लिया खाना बनाने की ट्राई करते हो, आपकी माता भाई बाहर जा रही हो, आपकी माता मान लिया भाई अपने घर पे जा रही है, अपने मामा के घर गई हुई है, और आप घर पे अकेले हो भाई, और आप खुद खाना बनाने की ट्राई करते हो, तो आप तो खाना बनाने की ट्राई करते हो लेकिन बन जाता है कुछ और। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिमिलरली भाई, तो साइंटिफिक कम्युनिटी डबल सॉल्ट बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि डबल सॉल्ट नहीं बना, कुछ अजीब ही चीज़ बन गई। आपको अजीब कैसे, एग्जाम्पल लो, आप एग्जाम्पल लो, एक हमारे पास सिंपल सॉल्ट होता है FeCN2, फेरस साइनाइड। क्या भाई, फेरस साइनाइड हमारे पास एक सिंपल सॉल्ट है कि नहीं है, बताओ। फेरस साइनाइड को आप पानी मिलाओगे तो क्या पता करेगा, ये एक मोल आयरन 2 पॉजिटिव और दो मोल साइनाइड 2 नेगेटिव, इजंट इट, और चार मोल KCN, क्या चार मोल पोटेशियम साइनाइड, और चार मोल पोटेशियम साइनाइड को अगर पानी मिलाऊंगा तो ये क्या देगा बताओ, चार मोल पोटेशियम आयन और चार मोल देनी चाहिए कि देनी चाहिए भाई। अगर मैं इसका डबल सॉल्ट बनाऊं, सॉरी अगर मैं इसको पानी मिलाऊं तो ये क्या देना चाहिए, एक मोल आयरन दो मोल साइनाइड, ये पानी में मिला के क्या देगा, चार मोल पोटेशियम चार मोल साइनाइड, उपकार नहीं आपको समझ में, ठीक। लेकिन कमाल करो आप इससे, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी मान लो उनका, हाँ उनका इसी पे कंपाउंड पे जोर चल गया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनका भी क्या बना लें, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट कैसे बनाएंगे इनका, इसका सॉल्यूशन लेके एक वेसल में डाल के उड़ा देंगे, तो क्या उन्हें क्या मिलना चाहिए, वो तो क्या सोच रहे हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, K4 क्या मिलना चाहिए, FeCN6 और XH2O, अगर हाइड्रेशन भी हो रखा है तो, नहीं आपको। तो इस फिशेज को पानी में जाकर क्या पैदा करना चाहिए, चलो मान लो, और उनको मिले भी क्रिस्टल, उन्होंने इसका सॉल्यूशन लिया, अगर इसका सॉल्यूशन उड़ाते हैं तो क्रिस्टल मिलते हैं फेरस साइनाइड के, इसका सॉल्यूशन उड़ाते हैं तो क्रिस्टल मिलते हैं पोटेशियम साइनाइड के, लेकिन जब इन दोनों का सॉल्यूशन मिला के उड़ा दिया तो उन्हें क्रिस्टल तो मिले, क्रिस्टल तो, लेकिन वो क्रिस्टल इसके नहीं थे, नहीं समझे बात, अगर वो क्रिस्टल इसके होते तो ये जो क्रिस्टल मिले उनको वापस पानी में मिलाने पर क्या मिलने चाहिए, चार मोल पोटेशियम, अगर मतलब हमको क्रिस्टल तो मिले हैं, अब अगर वो क्रिस्टल इस कंपोजिशन के हैं या डबल सॉल्ट के हैं, नहीं आपको कर, अरे भैया आपने इसका सॉल्यूशन लेके मिला के उड़ा दिया, तो आप तो ये मान रहे हो ना कि जो क्रिस्टल आपको मिले हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को उड़ाने के बाद वो इसके मिले हैं, आप तो ये मानोगे उपकार, तो क्या कहोगे, तो उस क्रिस्टल में तो उसको वापस पानी मिलाऊं तो एक मोल इस क्रिस्टल के मिलाने पर क्या मिलना चाहिए मुझे, चार मोल पोटेशियम, एक मोल और छह मोल मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, लेकिन ये पता लगा कि इसको इस क्रिस्टल को लेकिन पानी में जब मिला है ना,
इनका मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन उड़ाने पर जो क्या मिलते हैं हमको, क्रिस्टल्स, उनको वापस मैंने कहा मिलाया पानी में, तो 4 मोल पोटेशियम तो मिले, लेकिन 1 मोल साइनाइड क्या था, 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव क्या था, गायब, क्या था, गायब। इसके सॉल्यूशन को इसके सॉल्यूशन में मिलाकर उड़ा दिया, तो आप तो क्या मान रहे हो, इसका क्रिस्टल है, किसका भाई, डबल सॉल्ट बना हुआ, आप तो मानोगे ना, तो इसको वापस पानी में मिलाने पर क्या वही आयन पैदा नहीं होनी चाहिए जो आयन ये सिंपल सॉल्ट अकेले अकेले पैदा करते थे, मिलनी चाहिए ना भाई, तो मुझे मिलने क्या चाहिए, वापस 4 मोल तो पोटेशियम मिलनी चाहिए, है ना, और 4 मोल साइनाइड, 2 मोल साइनाइड, 6 मोल क्या मिलनी चाहिए, साइनाइड, और 1 मोल क्या मिलनी चाहिए, आयरन, लेकिन ये पाया गया 1 मोल आयरन 2 पॉजिटिव आयन गायब, नहीं मिली भाई, पता ही नहीं, उनको जमीन खा लिया, आसमान निकल गया, 6 मोल साइनाइड भी क्या मिली, गायब, अजीब बात नहीं है, मतलब इनके मिक्सचर को उड़ाओ, जो क्रिस्टल बचे उनको वापस पानी में मिलाओ, एक्सपेक्टेशन कहती है 4 मोल पोटेशियम मिलनी चाहिए, 6 मोल साइनाइड, 1 मोल आयरन, 1 मोल आयरन नहीं मिली, गायब, 6 मोल साइनाइड भी क्या होगी, गायब, सिर्फ कौन मिल रही है, 4 मोल पोटेशियम एक्सपेक्टेड थी वो तो मिली, लेकिन आयरन और साइनाइड टोटली क्या होगी, मिली ही नहीं भाई, और उनकी बजाय एक पांचवीं आयन घूम रही है सॉल्यूशन में, क्या एक पांचवीं आयन घूम रही सॉल्यूशन में, अननोन आयन, जो हमने मिलाई भी, हमने नहीं मिलाई आयन, लेकिन ये घूम रही है, तो कोई सवाल नहीं आ गया। तो सवाल नंबर 1, पहला सवाल, आयरन 2 पॉजिटिव आयन कहां पर गई, अगर ये डबल सॉल्ट बनता तो वापस क्या मिलता, मिलाने पर पोटेशियम आयन मिलती, आयरन आयन भी और साइनाइड आयन भी मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन ये तो मिल गई, लेकिन ना ये मिली और ना ही ये मिलती भाई, इसका मतलब भाई ये गायब होगी। तो पहला सवाल, सॉल्यूशन से आयरन 2 पॉजिटिव गई तो गई कहाँ, दूसरा सवाल, 6 मोल साइनाइड गई तो गई कहाँ, तीसरा सवाल, ये मिस्ट्री साइन कहाँ से आई है, क्या बहुत सारे सवाल नहीं क्या, ये मिस्ट्री साइन कहाँ से आई है, नहीं अब कर बोलो भाई, ये इसका चार्ज कितना है, तो बहुत सारे सवाल है भाई, ये मिस्ट्री साइन आई कहाँ से है, पहला सवाल तो 6 मोल साइनाइड कहाँ गई, दूसरा सवाल Fe2+ कहाँ गई, तीसरा सवाल ये कहाँ से आई है, चौथा सवाल इस मिस्ट्री साइन का चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, अगला सवाल इसका इसकी कंपोजिशन क्या है, ये मिस्ट्री साइन कोई सिंगल एटम है या मल्टीपल एटम से मिलकर मिलके बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या, इसका चार्ज क्या है, और अगर ये मल्टीपल एटम से मिलकर बनी हुई है तो इसके अंदर ज्योमेट्री क्या है, इसके अंदर ज्योमेट्री क्या है, नहीं आपको समझ में, दूसरा ये आयन कलर्ड थी, क्या थी ये, बहुत अजीब सा कलर शो कर रही है, आमतौर पर जब डबल सॉल्ट बनता है ना तो डबल सॉल्ट का कलर दोनों सिंपल सॉल्ट कलर का रेजल्टेंट होता है, क्या होता है, लेकिन ये इसका जो कलर, इसका कलर है उन दोनों के रिजल्टेंट से इसका कलर क्या बिल्कुल डिफरेंट है, तो कलर भी इसका क्या बिल्कुल अजीब सा है, नहीं आपको, दोनों सिंपल सॉल्ट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का सम किसकी प्रॉपर्टी होती है, डबल सॉल्ट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नहीं आपको, लेकिन ये जो क्रिस्टल है इनकी प्रॉपर्टीज इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के सम के बराबर नहीं है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट, मिस्टीरियस, नहीं पता क्या है, क्या कैसी भाई, अजीबोगरीब क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अजीबोगरीब क्या है, जैसे मुझे पता है आयरन 2+ के सॉल्ट क्या अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, क्या होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल क्या हो रहे हैं, रिपेल, ये क्रिस्टल क्या हो रहे हैं, उपकार, ये क्रिस्टल क्या होते हैं, रिपेल, ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट, लेकिन ये अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को क्या होना चाहिए था, अट्रैक्ट, नहीं आपको, ये क्या हो रहा है, रिपेल, तो अजीब बात नहीं है, कहां से हो गया भाई, इनका कलर भी अलग है, यानी इन दोनों के कलर के रिजल्टेंट से
इन्हें कलर लग गए। इन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के रिजल्टेंट से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है अलग है। तो कई सारे सवाल नहीं है, साइनाडाइन कहाँ गया, आयरन आयन कहाँ गई, ये आयन कहाँ से आई, इसका चार्ज क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसके जुमे और इसके अंदर भाई मल्टीपल एटम है तो उनमें बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या है भाई, मिस्ट्री ही मिस्ट्री खड़ी शुरू होगी। तो भाई साइंटिफिक कम्युनिटी तो आराम से क्या बनाया करती बैठी बैठी, डबल सॉल्ट ये बन गया, ये भाई बन गया क्या, ये पता नहीं क्या बन गया भाई, समझे बात भाई। तो इस तरीके से भाई ने क्या बोला गया, तो इस अजीब और गरीब आयन क्या बोल दिया गया, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोला गया भाई, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिस्टीरियस अननोन, कि इसके बारे में हमको भी कुछ पता नहीं। ये बहुत ये भाई 100 साल पहले की बात है, उससे पहले की बल्कि क्या, ये 100-150 साल पहले की बात है भाई, नहीं आपको तो उस वक्त पता ही। तुम क्या बोला गया भाई, मिस्टीरियस आयन या कॉम्प्लेक्स आयन, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, आसान है मुश्किल है, अरे बोलो उपकार, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इन कॉम्प्लेक्सेस की शुरुआत हुई। ओके मिटा दे इसको उपकार, ठीक है। तो ये आयरन टू पॉजिटिव है, तो आगे नहीं इनके हम आपको बताएंगे कि इनको आपने एक्सप्लेन कैसे करना फिर। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।